आपने बाजार में बहुत सी दुकानों के नाम देखे होंगे जो मेसर से शुरू होते हैं और बहुत सी दुकानों के नाम मेसर से नहीं शुरू होते। तो आपने कभी सोचा है कि जो दुकानों के ऊपर जो नाम लिखते हैं उसमें मेसर्स क्यों लिखते हैं और बहुत सी दुकानों के आगे मेसर्स क्यों नहीं लिखते हैं? जैसे बहुत सी दुकानों में आपने देखा होगा RKN ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स RKN ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स राम एंड श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ऐसा क्यों लिखा होता है? देखिए, देखते हैं अपन। मेसर्स इस शब्द का प्रयोग उन दुकानों के नाम से पहले किया जाता है, ध्यान रखना, मेसर्स उन दुकानों के नाम के पहले उपयोग किया जाता है जिनके मालिकों की संख्या एक से अधिक हो, यानी पार्टनरशिप फर्म हो। कोई भी दुकान अगर पार्टनरशिप फर्म में हो, उसके मालिकों की संख्या एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा या दो तीन चार पाँच छः कितनी भी हो, तो वो अपनी दुकान के नाम के आगे मेसर्स जरूर लगाते हैं। यही अंतर है, आप नोट करना। जैसे श्री राम डेयरी प्रोडक्ट, अब देखना, इसके नाम पे पहले मेसर्स नहीं है, भले ही इसमें पार्टनरशिप है, भले ही इसमें पांच पार्टनर है, लेकिन क्यों नहीं है? देखिए आप, इसके नाम से पहले मेसर्स नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुकान के नाम में उन मालिकों का नाम नहीं है। अगर मालिकों का नाम होता तो अपन मेसर्स लिखते। यहाँ पे क्या नाम है? यहाँ पे भगवान का नाम है, श्री राम का नाम है, इसीलिए मेसर्स नहीं लिखा जाएगा। बल्कि भगवान का नाम है, भले ही पार्टनरशिप है, श्री राम डेयरी प्रोडक्ट, इसमें पहले पांच पार्टनर है। मैंने ऊपर बताया था कि पार्टनरशिप जो फर्म हो उससे पहले अपन मेसर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बोले पांच पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी अपन मेसर्स नहीं लिखेंगे, श्रीराम डेयरी प्रोडक्ट ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। अगर मालिकों का नाम आता, पांचों मालिकों का नाम आता, तो अपन दुकान के नाम के आगे मेसर्स जरूर लिखते। देखिए, जैसे मेसर्स RK सुपरमार्केट, अब यहाँ पे मैंने मेसर्स लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम शामिल है, RNK सुपरमार्केट। इसमें क्या ना, इसमें मेसर शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? देखिए, क्योंकि आर यानी राम, के यानी कमल, अब दो व्यक्तियों का नाम इस दुकान में यूज किया गया, इसलिए इसके क्या कहेंगे, मेसर्स RK सुपरमार्केट। नोट करने वाली बात है, देखना। फिर देखिए, मेसर्स राम बिल्डिंग मटेरियल, अब देखना आप, मेसर्स राम बिल्डिंग मटेरियल, ये गलत है। आप मेसर्स क्यों गलत है? देखिए, मेसर्स राम बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई, यहाँ मेसर्स का उपयोग गलत है, क्योंकि दुकान में अकेले मालिक का नाम राम उपयोग किया गया। अगर किसी दुकान में अकेले मालिक का नाम उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर आप मेसर्स नहीं लगाएंगे वहाँ। अगर क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। जिस, अब आप नोट कर लेना, जिस दुकान में पार्टनरशिप फर्म हो, एक से ज़्यादा मालिकों के नाम आते हो, उस दुकान में जो भी नाम लगेगा ना, उसमें मेसर्स जरूर लगाया जाता है और उन मालिकों का नाम भी जरूर लगाया जाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म हो और अगर आप किसी भगवान के नाम से दुकान चला रहे हो तो उसमें मेसर्स नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए यह बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी, आपने बाजार में हमेशा देखा होगा कि बहुत सी दुकानों के सामने मेसर्स लिखा होता है और बहुत सी दुकानों के सामने मेसर्स नहीं लिखा होता है। तो ये कारण है कि मेसर्स क्यों लिखा हुआ होता है, क्यों नहीं लिखा हुआ होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।